दोस्तों यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में आज आप जानेंगे महामारी में अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी यह है कि अपने घर पर रहें और किसी भी अन्य व्यक्ति से बहुत कम मिलें जुलें और मिलने जुलने में भी सावधानी रखें। तो चलिए आज हम बात करते हैं वह कौन सी विधि है या वह कौन सी वस्तु है जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिसका इस्तेमाल हमें अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले च्यवनप्राश। हम एक चम्मच यानी 10 ग्राम च्यवनप्राश सुबह के समय लें और जो मधुमेह के रोगी हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश लें। दूसरा नंबर, हर्बल चाय व काढ़ा। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक व मुनक्का से बनी हर्बल चाय व काढ़ा दिन में 2 बार पिएं। इसमें गुड़ व नींबू भी मिला सकते हैं। इससे आपके शरीर को काफ़ी लाभ मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तीसरा नंबर, गोल्डन मिल्क। 1 गिलास गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी चूर्ण मिलाकर दिन में 1 से 2 बार जरूर पिएं, अगर संभव हो तो। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। चौथा नंबर है तिल, नारियल तेल व घी का। इसका इस्तेमाल कैसे करें तो चलिए जान लेते हैं इसकी सेवन विधि। सुबह और शाम के समय तिल फिर नारियल का तेल या घी को नाक के दोनों छिद्रों में सुबह व शाम के समय लगाना चाहिए, यह भी काफ़ी लाभकारी है। पांचवा नंबर है कुल्ला करना। कुल्ला कैसे करें? 1 चम्मच तिल या नारियल के तेल को मुंह में डालकर 2 से 3 मिनट तक कुल्ले की तरह घुमाने के बाद थूक दें, फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। दिन में 1 से 2 बार करें, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। छठवा नंबर है पुदीना, अजवाइन सहित अन्य मिश्रण। दिन में 1 बार पुदीना के पत्ते या अजवाइन डालकर पानी की भाप लें। पानी की भाप लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और लौंग के चूर्ण में गुड़ या फिर शहद मिलाकर 1 या 2 बार अवश्य लें, जो काफ़ी लाभकारी होगा। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो और विश्वास हो तो इसे अवश्य आजमाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आप महामारी से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।